अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्याला स्टोरीज। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी एहसास प्यार की, एपिसोड 23। लास्ट सीन में हमने जाना था जो क्लब में अचानक मिस्टर वर्मा की एंटर होता है, और मिस्टर जो वर्मा है वो रूही के लिए इस क्लब में आता है ताकि ये जानने के लिए कि रूही अचानक इस क्लब में इतना आना जाना क्यों होती है रूही का। और ये तो नहीं कि रूही ऐसे वो कौन से इंसान से मुलाकात करती है हर रोज़, ये जानने के लिए वो बेताब था। और तभी वो इस क्लब में आता है। इधर वो आके ही मैनेजर से पूछताछ करता है। पहले मैनेजर तो नहीं मानता, लेकिन फिर जो है क्योंकि मिस्टर वर्मा ने बोला है कि क्लब की सलामती चाहते हो तो मिलवा दो, तो उस हिसाब से वो राजवीर को बोलता है कि पूजा को लेके आओ। पूजा को लेके आते हैं। इधर पूजा जैसे ही मिस्टर वर्मा की वर्मा को देखते हैं वो तो शौक हो जाती है। वो मनी मन बोलती कि अगर इस इंसान ने उसकी फेस देखी ना तो प्रॉब्लम हो सकती है। वो बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। यही थी लास्ट सीन तक। अब जानेंगे आगे। इधर मिस्टर वर्मा जो है वो एक टक बस वो सामने उस लड़की को देख रही थी। उस लड़की ने एक मास्क पहनी हुई थी। ये देख के वो बोलती अरे तुम मुदरमा अपना ये उतारो ज़रा, जैसी ही है बोलती है। इधर जो पूजा है उसकी एकदम से हालत और ज़्यादा ख़राब होती है। वो घूर के जो है राजवीर को देखने लगता है। इधर राजवीर उस मिस्टर वर्मा के सामने जाता है, बोलते कि देखिए सर हम ये नहीं कर सकते, आपने कहा आपको मिलना है आप मिलो, बात करनी है तो करो, लेकिन दूर से आप पास नहीं जा सकते और ना ही आप उनके फेस देख सकते, ये रूल्स है और इस क्लब का ओनर का भी। तो प्लीज़ सर आप आपको जो भी करना है आप डिस्टेंस मेंटेन करके करो। ये सुन के उस जो है मिस्टर वर्मा को और ज़्यादा चीड़ हो जाती है। वो एकदम से राजवीर का कॉलर पकड़ता है, बोल के तू जानता भी है मैं कौन हूँ? हाँ सोच समझ के बात कर, क्या क्या लगता है तुझे पता भी है मेरा पहुंच कहाँ तक है? 10 मिनट लगेगा तेरा ये क्लब ख़त्म करने में। एकदम से ये बोल के तू ये एकदम से धक्का दे देते हैं। इधर पूजा की हालत तो देखने लायक थी। वो मनी मन बोलती है ये कहाँ फंस गई है भगवान, अब क्या होगा अगर ये मेरा फेस देख लिया तो का बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, प्लीज़। इधर जो है रूही को इतनी गुस्सा आती है क्योंकि करीब 10 मिनट हो चुके थे उसे इंतज़ार करते हुए। वो एकदम से अपना फ़ोन निकालती है और कॉल करने ही वाली थी कि तभी उसके जो है ड्राइवर वहाँ पे एकदम से आ जाता है और बोलते हैं आई एम सॉरी मैम, मैं बहुत दूर था मैम, आने में थोड़ा सा वक्त लग गया, आई एम सॉरी मैम, आगे से ऐसा नहीं होगा मैम। वो एकदम से डरने लगते। इधर वो जो है वो घड़ी की तरफ देखते और बोलते कि तुम्हारी सॉरी बाद में देखूँगा, ये कार तुम सर्विसिंग के लिए लेके जाओ। ये बोल के वो जल्दी से कार में बैठती है और इतनी स्पीड में कार भगाती है। करीब 5 मिनट लगती है उसे क्लब पहुंचने में। इधर मिस्टर वर्मा वो तो बस हाथ धो के परे हुए थे। अब उनको जो है अननोन वो लड़की की फेस देखनी है। आखिर इस लड़की में ऐसी क्या बात है कि मिस रूही अरोरा इस पर इतना मेहरबान है, ये जानना के लिए वो जो है बेताब था। वो बार बार जो है कोशिश कर रहा था, राजवीर जो है नहीं दे रहा था। एक वक्त ऐसा आता है कि वो जो है राजवीर के गाल पे रख के एक देता है और बोलता है कि तुम्हें मैंने समझाया ना कि मेरे सामने मत आना, 10 मिनट लगेगा तुम्हारा ये क्लब उड़ाने में, मेरी पेशेंस का इंतहाम मत लो और हटो यहाँ से। ये बोल के वो जाते और एकदम से उस लड़की की हाथ को उतनी ज़ोर से पकड़ती है कि पूजा को दर्द हो रही थी। वो एकदम से बोलती क्या कर रही है सर आप, जो छोड़िए मेरे मुझे, ये क्या बदतमीज़ी है? तभी मिस्टर वर्मा बोलते अरे बदतमीज़ी कहाँ है, मैंने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं, मुझे तुम्हारा डांस देखना है, चलो डांस करके दिखाओ। तभी जो है
पूजा बोलती है देखिए सर मुझे नहीं करनी डांस, और आप छोड़ो मुझे छोड़ो, अरे मुझे दर्द हो रहा है सर, आप समझने की कोशिश करो, आप जो चाहते हैं वो नहीं हो सकते, मैं अपनी फेस को नहीं दिखा सकती आपको, और छोड़ो मुझे। लेकिन मिस्टर वर्मा को इतनी जो वो इतना थे उनके अंदर रोहित के खिलाफ, वो इतने गुस्से में थे कि उनको इस लड़की की फेस तो देखना था, आखिर किसके कारण रूही इतनी बेताब है। इधर तभी अचानक उस क्लब में एकदम से रूही एंटर करती है, और रूही एंटर करते एक सिर्फ दो वर्ड, छोड़ इसे। जैसे ही ये दो वर्ड मिस्टर वर्मा के कान में जाता है, वो एकदम से देखते हैं साइड में कि रूही खड़ा, और रूही की आँख में न जाने कौन सी गुस्सा शामिल हो जाता है, तभी जिसे देख के इधर रजवीर एकदम से सीधा होकर खड़ा हो जाता है, और मनी मन बोलती कि ले बेटा लग गई तेरी, ले अब देख फेस। जैसे ये होते इधर रूही एकदम से मिस्टर वर्मा के सामने आ जाती है और बोलती कि मैंने कहा छोड़ उसे। इधर जो पूजा है उसकी हालत तो देखने लायक थी, वो एकदम से देखती है रूही की तरफ, रूही के गुस्से को देख के वो एकदम से और ज़्यादा घबराने लगते हैं, और मनी मन बोलती कि लो अब ना जाने यहाँ पे क्या होगी, हे भगवान क्या इस सब कुछ आज ही के दिन होनी थी मतलब। तभी रूही फिर से बोलती कि मैंने कहा मिस्टर राकेश वर्मा इसका हाथ छोड़ो। उसका वो जो है सख्त लहजा इतना कठिन थी कि मिस्टर वर्मा के हाथ अचानक ही अपने आप ही छूट जाती है उस लड़की से। तभी रूही जो है वो सीधा मिस्टर वर्मा की आँखों में आंखें डाल के बोलता है कि कौन सा डर्टी गेम खेलने आया है यहाँ पे बता, तुझे बहुत रिस्पेक्ट दे दिया मैंने, पर लगता है कि तुझे रिस्पेक्ट रास नहीं आ रही है ना, तो अगर तू चाहता है कि मैं अपने पे आ जाऊँ तो कोई बात नहीं, मैं अपने पे आ जाती हूँ, चल बोल क्या चाहता है तू और इस क्लब में क्यों आया है। उसका बातें बहुत ज़्यादा नहीं होती है, कई कुछ गने चिने जो है शब्द होते हैं, लेकिन बहुत सख्त लहजा होती है। मिस्टर राकेश वर्मा एकदम से बोलती कि ये क्लब है, ये पब्लिक है, यहाँ पे आना जाना बहुत आम बात है, मुझे इस लड़की के साथ थोड़ा सा डांस करना था तो आ गया, इसमें क्या बड़ी बात है। तभी जो है रूही बोलता है कि अच्छा अगर डांस ही करना है तो तमीज़ से करना, और ये यहाँ की डांसर तो है नहीं, तो किसके साथ डांस करने आया है तू यहाँ पे। तो जो मिस्टर वर्मा है वो एकदम से बोलता है कि अपनी ज़बान संभाल के बात करो मिस रूही अरोरा। तो रूही भी बोलती कि ज़बान तो संभली हुई थी, लेकिन तेरे लिए तू वो डिज़र्व नहीं करता ना, तुझे तूने ना आज ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर लिया इस क्लब में आके ऊपर से इसके साथ बदतमीजी करके। ये चीज़ बहुत महंगा पड़ेगा तुझे, आई स्वर, ये रूही अरोरा की वादा है तुझसे, इस दिन को मैं तुझे कभी भूलने नहीं दूंगी। जैसे ये बोलती तो मिस्टर वर्मा एकदम से बोलती कि आखिर क्या बात है मिस रूही अरोरा, हाँ क्या बात है इस लड़की में कि इस लड़की की पीछे आप हाथ धोखे पड़ी हो, ज़रा हमें भी चखने का मौका दो। जैसे ही ये वर्ड वो यूज़ करते हैं रूही अपनी आपा खो देती है, उसे इतना गुस्सा आती है वो सीधा पकड़ लेती है मिस्टर वर्मा का गला। इधर मिस्टर वर्मा का हालत तो देखने लायक था, और रूही की जोर जो है इतनी ज़्यादा थी कि मिस्टर जो है वर्मा खुद को छुड़ा ही नहीं पाते, वो जो है चिल्लाने लगते हैं, और उनके जो बॉडीगार्ड्स वगैरह थे सब एकदम से आते हैं और रूही से छुड़ाने की कोशिश
कर रहे थे, लेकिन कमबख्त किसी पे उतना जोर नहीं कि वो रूही के हाथ से मिस्टर वर्मा को छुड़ा पाए। इधर माहौल इतने ख़राब थे, वहाँ पे राजवीर भी जाता है भागते हुए। वो मिस रूही को बोलती कि मैम छोड़ दीजिए इनको, ये मर जाएंगे, मैम छोड़िए। लेकिन रूही की आंखों में न जाने कौन सा वो गुस्सा वो एकदम से आती कि वो छोड़ ही नहीं रही थी। वो इतनी कस के उनके गला पकड़े थे। इधर मिस्टर वर्मा जो है वो सांस नहीं ले पा रहे थे। जैसे ये हालत और ज़्यादा बिगड़ने लगते हैं, इधर पूजा तो बस वो और ज़्यादा शौक थी, वो रूही को देख के और ज़्यादा शौक हो गई कि ये बर्ताव, इतनी गुस्सा। इधर रूही जो है वो एकदम से उसकी आंखों में तो खून उतर आती है। वो मिस्टर वर्मा को तरफ देख के बोलती कि तू चखेगा उसको, तेरी औकात नहीं है और तेरी इतनी हिम्मत, तू ये वर्ड अपनी मुंह में लाया कैसे। ये बोल के वो और ज़्यादा कसती है अपनी हाथों को। इधर पूजा देखती है कि सिचुएशन इतनी ख़राब थी कि मिस्टर वर्मा की अब आँखों से आंसू आने लगते हैं और उनके बॉडीगार्ड्स वो एक एक करके सारे कोशिश कर रहे थे रूही से छुड़ाने की, लेकिन रूही की ताकत इतनी जम के वो आजमाती है कि छुड़ा नहीं पाते कोई भी। तभी जो है राजवीर भागते हुए वो पूजा की तरफ जाती है और बोलती कि यार कुछ कर, ये तो मार देगी, या लेने की देना ऊपर जाएंगे फिर, कुछ कर यार। तभी पूजा बोलती कि मैं क्या करूँगी, तू समझाना उनको कि छोड़ दे। तभी जो बोलती अरे समझाने से अगर हो जाता तो कब का हो जाता यार, देखना तू कुछ करना। जब पूजा समझ नहीं रही थी कि क्या करे, तभी ना पूजा कुछ और नहीं सोचती, वो एकदम से जाती है उस साइड पे और पीछे से जो है उसको जो है एकदम से उसकी हाथ पकड़ लेती है। जो रूही के आसपास करीब 4-5 तो बॉडीगार्ड्स थे, लेकिन पूजा जो है एक साइड से उसकी हाथ जैसे ही पकड़ते हैं, इधर जो है रूही एक बार उसके साइड पे देखती है। जैसे ही देखते हैं वो देखती है जो निसन्नों ने उसकी हाथ को कस के पकड़ी है। बस यही काफ़ी थी रूही को रोकने के लिए, उसकी हाथ अपने आप ही रोक जाती है। वो एकदम शांत होके खड़ी हो जाती है। उसकी आँखों में वो गुस्सा वो सारी चीज़ देख के पूजा भी एकदम से डर सी जाती है, उसके हाथ पैर कांप रहे थे। जो रूही है ये समझ पा रही थी तो वो थोड़ी सी पीछे हो जाती है और बस एक टक मिसन्ना उनकी तरफ देखने लगती है। और जैसे ही देखती है तभी उसकी नज़र जो है उसकी हाथों पे जाती है जैसे मिस्टर वर्मा ने जैसे पकड़े हुए थे उसके हाथ पे। वो हल्की सी निशान जैसे ही वो देखती है उसका पारा और ज़्यादा, वो एकदम से अब ना एकदम से अपनी जो है वो पहनी थी सूट वगैरह वो एक जैकेट में से एकदम से गन निकालती है और सीधा ठान देती है मिस्टर वर्मा के माथे पे गन पॉइंट। जैसे ये करती है इधर मिस्टर वर्मा के होश उड़ जाते हैं और पूजा की तो भाई हालत वही पे एकदम से बेहोश होने की कदार पे आ गई थी। वो एकदम से चिल्ला के बोलती क्या कर रही हो, ये गन 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 क्यों, अरे गन रखिए आप मिस रूही प्लीज़। लेकिन रूही तो एकदम से मिस्टर वर्मा की तरफ देखते हुए बोलती कि सुन, मैंने कहा ना तूने ना गलती कर लिया आज इस क्लब में आके, ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती तेरा यही है और तुझे तेरी हिम्मत कैसे हुई उसको छूने की, हाँ कैसे हुई। तभी वो जो है वो एकदम से ट्रिगर दबाती है। जैसी ट्रिगर दबाती है इधर मिस्टर वर्मा का तो हालत ख़राब हो जाता है, एकदम से बोलती है आई एम सॉरी मिस रूही प्लीज़ आई एम सॉरी। तभी उसके जो है वो अपनी बॉडीगार्ड्स के तरफ देखे बोलती कि अरे तुम लोग कर क्या रही हो, इसको रोको। तभी ना क्योंकि उसके पास गन थी तो बॉडीगार्ड्स भी आगे बढ़ने के लिए सोच रही थी कि अगर इधर से उधर हुई तो क्या कर सकते हैं, तो वो डर के जो है सामने नहीं आ रही थी। इधर राजवीर भी इतना शौक था, वो मैनेजर के हालात तो और ज़्यादा ख़राब था, वहाँ पे सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुका था।
इधर पूजा तो क्या बोल, वो अब खुद डर रही है उसके सास सामने जाने के लिए। लेकिन तभी पूजा थोड़ी सी वो अपने अंदर वो स्ट्रेंथ लाती है और आहिस्ता आहिस्ता वो जाती है और एकदम से उसके हाथ पकड़ती है और उसे पीछे से हक करती है और बोलती है कि बस बस ये हटा दीजिए आप, प्लीज़ प्लीज़ समझने की कोशिश करिए और इनको जाने दीजिए, यहाँ पे ज़्यादा सीन ट्रीट मत करो, प्लीज़ मेरी बात सुनिए मिस अरोड़ा। जैसे ये हक करती है इधर रूही एकदम शांत हो जाती है, वो शांत हो जाती है, कुछ देर ऐसे ही रहती है और तभी जो है अपनी गन को अपनी जो है वो जैकेट के पॉकेट में डाल देती है और घूर के मिस्टर वर्मा को देखता है। और मिस्टर वर्मा रूही की इस अंदाज को वो कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि रूही इस तरह से भी बर्ताव कर सकती है। इधर रूही एकदम से मिस्टर वर्मा की तरफ देखते तो वर्मा जो है उठते हुए और उसकी तरफ देखते और बोलते कि क्या है, एक लड़की के लिए इतना गुस्सा, आखिर ये लड़की क्या लगती है मिस अरोड़ा। तो वो घूर के देखती है लेकिन पूजा ने उसे अब भी जो है हक किए हुए थे पीछे से, तो वो सामने नहीं बढ़ पाती है और बोलती कि मैं देख लूँगा तुम्हें मिस रूही अरोड़ा। तो रूही बोलती कि चल देख ले, अब भी देख ले, क्योंकि इसका बदला तो मैं तुझसे ज़रूर लूँगा, ये जो डाटी गेम तूने शुरू किया है ना इसका पलटवार तो मैं ज़रूर दूँगा तुझे, बस इंतज़ार करना उस पलटवार का। तभी जो है वो बोलते हैं कि आखिर तुम्हारा इस ऑरा क्यों है इस क्लब में, हाँ क्या तुमने खरीद रखा है इस क्लब को। तभी वो मैनेजर के तरफ देखता है और बोलती कि ऐसे इतना सब कुछ कैसे हो सकता है यहाँ पे। तभी रूही बोलती कि हाँ मैंने खरीद रखा है इस क्लब को, मैंने खरीदी है, तुझे प्रॉब्लम है। जैसे ये सुनता है तो मिस्टर वर्मा घूर के देखता है, बोलती मजाक था क्या तुम खरीदो। तभी वो मैनेजर एकदम साथ है, बोलती कि सर यही मैं पहले समझा रहा था आपको, ये क्लब उनका ही है। जैसे ये सुनता है मिस्टर वर्मा तो और ज़्यादा शौक हो जाता है, वो बोलने के लिए कुछ उनके पास था नहीं, वो बस रूही को घूर के देखता है और बोलता है कि जवाब तुम्हें ज़रूर दूंगा तुम्हें। तो रूही भी बोलती है तू मेरा जवाब का इंतज़ार कर, तेरा जवाब का मैं बाद में देखूंगा। ये बोल के जो है मिस्टर वर्मा वहाँ से अपने जो चार पांच वो बॉडी गार्ड्स थे वो उनके साथ चले जाते और उन बॉडी गार्ड पर वो इतना ज़्यादा चिल्लाते हैं कि तुम लोगों को महीने 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 में भर भर के जो सैलरी मैं देता हूँ वो तो तुम लोगों ने ऐसे ही मुफ़ेट लेते हो ना मुझसे, इस सिचुएशन में तुम लोग कुछ कर नहीं पाए। वो आई मेरे साथ ये सब किया, अगर थोड़ी सी भी इधर उधर होती तो गन अगर चल जाती तो मेरा क्या होता। इधर वो चिल्ला रहा था, उधर रूही इतने गुस्से में थी। तभी जो पूजा है वो भी शौक होती है ये सुनते कि ये क्लब उसकी खरीद उसने खरीदे है, तो वो एकदम से उसे छोड़ती है और उसके सामने जाती है और बोलती कि क्या बोला आपने और इसका मतलब क्या है। रूही जो मिस अनाउन की तरह देखती है और बोलती कि कौन सा मतलब। तभी मिस अनाउन बोलती कि वही इस क्लब को खरीदने का मतलब क्या है। तो रूही बोलती कि वही जो आपने सुना है, ये क्लब मेरी है, मैंने खरीद ली थी ये क्लब। जैसे ही ये सुनती है वो सीधा देखती है राजवीर की तरफ, राजवीर अपना सर हिला देती है। तो पूजा इतनी शौक थी कि वो कुछ बोल ही नहीं पाते। तभी पूजा की जो है ध्यान जाती है वो एकदम से जो रूही के हाथ पे, वो मिस्टर वर्मा जो अपने आप को छुड़ाने के लिए कोशिश कर रहा था उनके हाथ में कुछ था शायद, तो उन्होंने उस हाथ से अपने हाथों से रूही के हाथ को जो है बहुत खरोचने की कोशिश की थी, तो बहुत चोट लग गए थे। चोट लगने से वहाँ से हल्की हल्की सी ब्लीडिंग होती है। ये देख के जो है पूजा थोड़ी सी वो एकदम से पैनिक हो जाती है, वो उसकी हाथ पकड़ती है और बोलती आपको तो चोट लग गई, ये खून भी निकल रही है, अरे ये सब करने की क्या ज़रूरत थी आपको। तो राजवीर ज़रा वो फर्स्ट एड बॉक्स, तो राजवीर एकदम से होती कि हाँ हाँ ठीक है। तभी जो है पूजा एकदम से होती कि आप चलिए मेरे साथ। तो उसको जो है लेके जाते हैं उस साइड पे
वो जाती है ऊपर की तरफ जो चेंजिंग रूम है, वो उसको बैठाती है और जो है वो इंतज़ार करती है कि राजवीर कब फर्स्ट एड बॉक्स लाएगी। कुछ ही देर में राजवीर फर्स्ट एड बॉक्स लेके आती है तो पूजा जो है वो बहुत अच्छे से उसकी हाथ को पहले क्लीन वगैरह करती है और वहाँ पर क्रीम लगा रही थी। और इधर रूही उसे दर्द का एहसास कहाँ होती है, वो तो अपनी जी भर के सिर्फ और सिर्फ मिस अननोन को देख रही थी। मिस अननोन ने जैसे उसकी हाथ पकड़ी थी, ये चीज़ उसकी दिल की धड़कन तेज़ करने के लिए बेहद ठीक थी। वो अपने दिल को संभाल रही थी और बस मिस अननोन को देख रही थी प्यार भरी नज़रों से। इधर जो है जो पूजा है वो उसके हाथ को क्रीम लगाते हुए आहिस्ता से वो फूंक मारती है। जैसे ही ये करती है इधर रूही अपनी आंखें बंद कर लेती है। पूजा एक बार उनकी तरफ देखती है तो थोड़ी सी वो ऑकवर्ड हो जाती है और तभी वो हाथ छोड़ देती है और बोलती है कि क्या है। तभी रूही एकदम से आंखें खोल कर बोलती है क्या कुछ नहीं। तो पूजा बोलती कि ये हरकतें कब बंद करोगी आप। तभी रूही स्माइल पास करती है और बोलती कि जब तक मैं हूँ तो ये हरकतें तो बंद नहीं होगी। पूजा को इतनी गुस्सा आती है कि वो एकदम से खड़ी हो जाती है और चिल्ला पड़ती है रूही के ऊपर कि आखिर क्या चाहती हो आप, बस कर जाओ, थक चुकी हूँ मैं आपकी ये हरकतें देख के। क्या करने की कोशिश कर रही हो, अरे किसी के ऊपर गन पॉइंट कर दिया, मतलब आपके पास पैसे हैं, आप अमीर हो तो आप कुछ भी कर सकती हो, क्यों कर रही हो ये सब, बंद कर दो, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी रूही बोलती है आहिस्ता आपको जो भी बोलना है ना आप बोलो मुझे, आप चाहो तो मुझे मार सकती हो, कोई बात नहीं मैं कुछ नहीं बोलूँगी, पर इतनी ज़ोर से मत चिल्लाओ आपकी गले में इन्फेक्ट हो सकती है, आहिस्ता से बोलो। तो पूजा एकदम से अपने सर पे हाथ मारती है और बोलती है भगवान मैं आपको समझा क्या रही हूँ और आप समझ क्या रही हो। तभी रूही बोलती है देखिए मिसन मॉम, मैं कोई इंसान, वो इंसान आपको तकलीफ़ पहुँचाएगा। तो पूजा एकदम से बोलती कि कहाँ तकलीफ़ पहुँचाया। तभी रूही एकदम से उसकी हाथ पकड़ती है और दिखाती है ये बर्दाश्त नहीं हुई मुझसे, मैंने तो ज़िंदा छोड़ दी उसको, मेरे वश में होती ना तो आज उसका किस्सा ख़त्म कर देती मैं। पूजा एकदम चुप हो जाती है, मन ही मन बोलती कि हे भगवान पहले से मैं अपनी चीज़ों से उलझी हुई हूँ, मैं वो सुलझा नहीं पा रही हूँ और इसका ये तेवर कहाँ फंसा दिया, ज़िंदगी है या कुछ और मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तभी रूही बोलती कि आप कहाँ खो जाती हो, देखिए मैंने बोला ना ये सब छोड़िए और अगर मेरी इस बर्ताव से आपको तकलीफ़ पहुँची तो आई एम सॉरी, मैं आइंदा से अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश करूँगी कि आप मुझे उस तरह मत देखो गुस्से में, आई एम सॉरी अगेन, प्लीज़ आप शांत हो जाइए, आप मुझसे नाराज़ मत होइए, प्लीज़ मैं आपकी नाराज़गी अफोर्ड नहीं कर सकती, प्लीज़ समझिए मुझे। और बैठिए ना, अब आप खड़ी क्यों हुई है। तो एकदम से वो बैठाती है जो मिस अननोन को और बोलती कि प्लीज़ आई एम सॉरी, अगर मेरी कोई भी हरकत से आपको तकलीफ़ हुई तो मैं आइंदा से चीज़ों को ध्यान रखूँगी। तभी पूजा बोलती देखिए मैं आपकी सारे बातें सुन रही हूँ, आपने ये क्लब खरीद ली जो मुझे कुछ बोलना नहीं है इस बारे में, आपके पास पैसे इतने ज़्यादा है मैं क्या ही बोल सकती हूँ, आपने मेरा परफॉर्मेंस करना बंद कर दिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आपकी बोलने से मैं यहाँ पे हर रोज़ आती हूँ, आपसे बात करती हूँ, आपसे दोस्ती भी कर ली, आप क्या चाहती हो, प्लीज़ ऐसा कोई हरकत मत करो ना। तभी रूही बोलती कि ठीक है आई एम सॉरी, देखिए एक बात आप प्लीज़ समझने की कोशिश करिए, आपकी तरफ कोई बरेगा वो चीज़ मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी, मार दूंगा मैं। तभी वो बोलती कि खूनी हो क्या, मार दूंगा क्या बोल रही हो, प्लीज़ ये सब बातें मत करो। देखिए मिस रूही प्लीज़ चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, ये सब मत करिए। तो रूही बोलती है अच्छा ठीक है मैं आइंदा से ध्यान रखूँगी, अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश करूँगी, आई एम सॉरी अगेन, चाहो तो मैं कान पकड़ सकती हूँ। तभी पूजा बोलती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो बैठ जाती है, थोड़ी देर बात करने लगती। तभी
जो रूही है वो एकदम से बोलती है, वो आपने कही थी ना कि आप नंबर दोगे। जैसे ही ये बात पूजा सुनती है उसके दिमाग में एकदम से ये बात पिन करती रहती है कि भगवान मैं तो भूल गई, अब कब क्या भूलूँ। तो रूही बोलती है फिर से खो गई आप। अरे मैं पक्का आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगी, मम्मी का समना आप मुझे नंबर दे दो ना प्लीज़। तभी जो है पूजा बोलती कि कहाँ से दो नंबर, मैंने तो अरे यार दिमाग से चली गई। तभी वो एकदम से बोलती कि एक्चुअली मैं बाद में दूंगी प्लीज़, मैं दे दूंगी पर आज नहीं प्लीज़। तभी रूही बोलती कि ठीक है कोई बात नहीं है, जब देनी है अब दे देना प्लस, लेकिन प्लीज़ दे देना ज़रूर। तो पूजा बोलती कि ठीक है। तो ये दोनों थोड़ी बहुत बातें करते हैं, बातें करते करते पूजा जो है वो देखती है रूही की तरफ। रूही जो है उससे बहुत सारे बात कर रही थी, वो बातें करते करते जो है एक दो बार देखती है, तो देखती है आज मिस अनोन उसे बहुत प्यार से बहुत घूर के देख रही है। तो रूही एकदम से स्माइल पास करते होती कि क्या हुआ मिस अनोन, क्या मुझ पर प्यार आ रही है क्या। जैसे ये बोलती है तो पूजा एकदम से दूसरी तरफ जो है पलट लेती है और बोलती कि देखिए इतनी भी आप वो नहीं हो कि आप पे प्यार आ जाएगी, ठीक है ऐसी कोई बात नहीं है। तो भी जो रूही है वो एकदम से स्माइल पास करती है, बोलती कि हाँ हाँ पता है, वैसे आपकी टाइम ख़त्म हो गई है। तो जैसे ये बोलती है तो वो बोलती कि पता है। तो रूही बोलती कि देखिए अपना ध्यान रखिए और ऐसे किसी के सामने मत जाइए प्लीज़। ये बोल के रूही उधर से चली जाती है, उधर से जाती है वो नीचे जाती है, नीचे जाती है वो मिस्टर जो मैनेजर है उनके सामने जाता है और बोलती कि आपकी जॉब खारिज हो चुके हैं, यू आर सस्पेंडेड। जैसे ही ये बोलते हैं वहाँ पर राजवीर खड़ा था, वो भी शॉक हो जाता है, जो है मैनेजर भी शॉक हो जाता है। वो एकदम से आते हैं रूही के सामने, बोलती कि मैम मैम पर क्यों मैम मैंने क्या किया मैम। तभी रूही घूर के उसे देखते हैं, उसका देखने का तरीके से मैनेजर डर जाता है, वो पीछे चला जाता है। और रूही बस ये बोलती कि बस जितना बोला उतना करो, यू आर सस्पेंडेड, कल से आने की ज़रूरत नहीं है और आपके सारे पेमेंट आपको हो जाएगा। ये बोल के उस साइड से चली जाती है। इधर राजवीर जो है मैनेजर को बोलता है सर मैंने बोला था आपको कि आप गलत कर रहे हो, समझाया भी था पर आपने सुना कहा, लो अब भुगतो। तभी मैनेजर बोलता है अरे मैंने किया क्या है। तभी राजवीर बोलती कि आपने पूजा को उस इंसान से मिलने के लिए बोला है, यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। मैंने बोला था कि सर मैम ऐसा नहीं चाहेगी, आपने सुना मेरी बात। तो मैनेजर बोलते कि यार क्या। उधर पूजा जो है वो जाती है वो जो चेंज वगैरह करके वो सीधा जो है छुप छुपाते हुए चली जाती है घर घर जाके। वो जो है आना को सारी बात बोलती, तो आना बोलती कि क्या बात है, मतलब यार बंदी तुझ पे इतनी लट्टू है कि पूरी क्लब ही खरीद ली। तो पूजा बोलती कि क्या है यार, यार एक प्रॉब्लम हो गई है। तो आना बोलती क्या, तो बोलती कि यार उसने ना नंबर मांगी है, कैसे दो नंबर, ऑलरेडी उसके पास मेरे नंबर है, मेरे पास कोई एक्स्ट्रा नंबर है नहीं। तो आना बोलती कि ये प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं मेरे पास ना एक बहुत पुरानी एक एक्स्ट्रा सिम है जो मैंने कभी यूज़ नहीं की थी, तू वो सिम यूज़ कर लेना ना। तो बोलती कि पक्का कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बोलती कि अरे डरपोक इतनी डर मत, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उधर रूही जाती है, वो जाके एज यूजल मिस्का से बात वगैरह करके वो रात वैसे ही ख़त्म होते हैं। अगले करीब दो तीन दिन तक ऐसे ही नॉर्मल रूटीन होती है, लेकिन पूजा की दिल के हाल तो और ज़्यादा ख़राब होती है। वो हर रोज़ इस चीज़ को उलझ रही थी और जो है आना उसे समझा रही थी, कुछ चीज़ वो समझ गई थी लेकिन शायद वो समझना नहीं चाहती थी, सिचुएशन ऐसी थी। और अब जो है जो क्लब में वो आती थी वो नॉर्मल बातें शाते करती थी और नंबर भी एक्सचेंज कर ली थी। दो तीन दिन बाद ऐसी ही होती है, लेकिन अब दो तीन दिन बाद जो है मिस्टर दानिश ओबरॉय का कॉल आता है रूही के पास। वो पार्टी में इनवाइट करते हैं एज यूजल, जैसे नताशा ओबरॉय ने बोली थी वैसे ही सब कुछ होती है। तो वो मना नहीं करती, बोलती कि ठीक है। तभी मिस्टर दानिश ओबरॉय एकदम से ऐड करती है कि मैंने सुना वो मेरी बहन ने बोला है कि आपके वहाँ पे एक स्टाफ और है,
वो क्या नाम बोली थी पूजा, उनको भी साथ के लेके आइएगा प्लीज़। तो रूही को थोड़ी सी ये बात अजीब लगती कि हाँ मेरे स्टफ में इतनी उसकी दिलचस्पी दिखा रही है ये बात, तो बोलती कि हाँ हाँ ठीक है। तो वो ना सबको बोल देती कि एक पार्टी है कल शाम की, सब लोग रेडी रहना ऑफिस से, तैयार होके आना ऑफिस से चले जाएंगे। तो ऐसा ही होता है, वो दिन जाते हैं, अगले दिन भी होते हैं और सब जो है पार्टी की वक्त भी हो जाती है, तो सब जाती है। और उस दिन जो है क्योंकि शाम की पार्टी थी तो मिसानोन जो है वो टेक्स्ट कर देती कि उसे कुछ काम है, वो नहीं जाएगी। रूही ये चीज़ पॉइंट ऑफ नहीं कर पाती कि आखिर जिस दिन वो पार्टी या कुछ भी वो जाती है, मिसानोन भी नहीं जाती। वो इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन अगर वो इस चीज़ को सोचती तो ज़रूर खटकी खटकती उसको। पर वो मासूम तो थी कुछ चीज़ों में। वो पार्टी जो है अटेंड करती है, पार्टी में आना और जो है पूजा भी जाती है। ये लोग जो है ज़्यादा वो कुछ खास कपड़े तो पहने नहीं, नॉर्मल ड्रेस ही पहनते हैं क्योंकि ऑफिस से सीधा जानी होती है। तो जाती है इधर रूही और मिश्का भी जाती है। पार्टी बहुत बड़ा था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग थे। तभी उस पार्टी के एक साइड से जो है नताशा उब्रोय आते हैं, और नताशा उब्रोय ने इतनी हॉट एक ड्रेस पहनी थी कि क्या ही बोले। ये देख के पूजा और आहाना घूर के देखने लगती, तो आहाना बोलती बाप रे यार क्या फिगर है यार, देख तो सही। तभी पूजा बोलती कि शर्म कर ले। आहाना बोलती कि किस बात की शर्म यार, मैं बस तारीफ ही तो कर रही हूँ। तो बोलती कि ऐसी कौन सी तारीफ होती है जी। तभी वहाँ पे नताशा आती है और बोलती कि मिस पूजा वाह आज भी बहुत खूबसूरत लग रही हो आप। तभी पूजा बोलती कि जी थैंक यू। तभी नताशा बोलती कि तो बताइए कैसी हैं आप। तो जो पूजा बोलती कि मैं ठीक हूँ आप, तो नताशा बोलते आपको देख के और अच्छी हो गई। उधर रूही और मिश्का भी आते हैं, सब मिलते हैं एक दूसरे से, पार्टी जो है चल रहा है। मिस्टर ओबेरॉय भी आते हैं, सब बातें कर रहे थे। इधर मिश्का जो है वो रूही को बोलती कि ये कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी दिखा नहीं रही है क्या, पूजा की तरफ देख कैसे घूर रही है। तो रूही बोलती कि हाँ मुझे भी लगती है थोड़ी तो अजीब थी, पर क्या कर सकते हैं, क्या ही करें हम, क्या कर सकते हैं। तो मिश्का बोलती है नहीं मेहनत मैं थोड़ी ना कुछ करने के लिए बोल रही हूँ, मैं बस इतना बोल रही हूँ कि कुछ अलग सी बर्ताव करती है ये पूजा के लिए। तो बोलती कि छोड़ ना। तो ये लोग बात कर रहे थे, तभी जो है मिस रूही जो सॉरी जो नताशा है वो एकदम से पूजा की तरफ देख के बोलती कि मिस पूजा चलिए ना डांस करते हैं। तो पूजा बोलती कि नहीं मुझे डांस नहीं आती। तो वो बोलती कि लगता तो नहीं है, चलिए देखते हैं ना मैं सिखा दूंगी, अगर नहीं आती है चलिए आप। तो एकदम से उसके हाथ पकड़ती है, उसे साइड में ले जाती है, और वहाँ पे म्यूजिक चल रहे थे तो डांस कर रहे थे। इधर वो जैसे ही डांस स्टार्ट करती इधर रूही की नज़र एकदम से जाती, वो घूर के देखती है क्योंकि वो जिस तरह से वो डांस कर रही थी ना उसे मिस अननोन की याद दिला देती है। वो घूर के देखती है और मन ही मन बोलती कि क्या सोच रही हूँ मैं, मतलब ये स्टेप। तो वो आहिस्ते आहिस्ते एकदम से चल के आती है, आके जो है वो एकदम नताशा को बोलती कि मिस नताशा। तो नताशा रूही की तरफ देखते बोलती कि जी मिस अरोरा बोलिए ना। तो बोलती कि मैं आई, मैं थोड़ी सी डांस कर सकती हूँ क्या। तो नताशा बोलती कि हाँ ज़रूर। तो वो अपनी हाथ देती है, तभी रूही बोलती कि नहीं मैं मेरी एम्प्लॉय के साथ थोड़ी सी डांस करना चाहती हूँ। जैसे ही वो बोलती तो नताशा एक स्माइल पास करती है, उस हट जाती है और वो बोलती कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मिस पूजा। इधर पूजा की दिल की धड़कन तो तेज़ हो गई, वो बोलती कि यार ये करीब आने से ये दिल धड़कना शुरू करती है, अब डांस कैसे हैंडल करूँगी खुद को, हे भगवान प्लीज़। तभी वो बोलती कि तभी रूही बोलती कि आप फिर से खो गई मिस पूजा, क्या मैं आपके साथ डांस कर सकती हूँ। तभी वो बोलती कि चि 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 ठीक है। तभी रूही एकदम से हाथ आगे देती है तो पूजा हाथ संभालती है और वो डांस शुरू कर देती है। इधर जैसे ही रूही उसकी हाथ को थामती है और उसको अजीब सी फील होती है, वो शॉक हो जाती है वो फील को एहसास करके, वो एहसास को महसूस करके वो शॉक थी। वो डांस तो कर रही थी लेकिन वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, वो सोच रही थी कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल, कैसे कैसे पॉसिबल है ये। तो
डांस करते करते एकदम से वो थोड़ी सी जो है पूजा को दूर कर दिया और एकदम से खींचती है अपनी तरफ। जैसे खींचती वो एकदम से जैसे उसके साथ टकराती है उस चीज़ को वो और ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है और वो एकदम से पीछे हो जाती है और घूर के जो है पूजा को देखने लगती है। इधर पूजा कुछ समझ नहीं पा रही थी तो नताशा एकदम से आती है और बोलती, अरे क्या हुआ, अरे डांस करते करते ऐसे रुक नहीं रुका जाता यार, अभी वो तुम्हारे डांस पार्टनर है, क्या कर रही हो। तभी पूजा रूही जो है कुछ नहीं बोलती, वो उस साइड से एकदम से चली जाती है, वो बाहर सेंटर हो जाते हैं, वो पीने लगती है और एक तक बस घूर के मिस पूजा की तरफ देख रही थी। इधर पूजा भी समझ नहीं पा रही थी कि इनको अचानक हुआ क्या है। इधर नताशा जो है वो फिर से डांस करने लगती है, मिश्का जो है जाती है वो रूही से पूछती है लेकिन रूही कुछ बताती नहीं है। जो है पार्टी चलती रहती है, वहाँ पे सब लोग खाना वगैरह भी इंतज़ाम होते हैं, सब खाना वगैरह खाते हैं और पार्टी ख़त्म होने के बाद रूही जो है वो एकदम से मिश्का को लेके चली जाती है और जाते हुए एकदम से वो मिस अननोन को टैक्स करती है कि कहाँ है आप। तो मिस अननोन बोलती है कि मैं, वो झूठ तो बोलती है कि मैं घर पे हूँ क्यों। तभी रूही कुछ टाइप तो करती है लेकिन फिर वो जो है वो टाइप नहीं करती, वो लिखती नहीं है, वो चुपचाप फ़ोन रख देती है। इधर जो है पूजा जो है वो कंफ्यूज तो थी कि अचानक हुआ क्या है, तो पूजा रहाना भी उस साइड से चली आती है। आते आने से पहले जो नताशा है वो बोलती कि दोबारा ज़रूर मिलनी होगी आपसे, तो पूजा बोलती कि जी ज़रूर, वो चली जाती है। इधर रूही की दिल में बहुत सारे उलझने चल रही थी, वो सोच नहीं पा रही थी कि आखिर हुआ क्या है। मिश्का भी देख पा रही थी कि रूही एकदम शांत थी, वो कुछ सोच रही थी, वो समझने की कोशिश तो कर रही थी लेकिन वो रूही जो है बोल नहीं रही थी। ये लोग घर जाते हैं, घर जाते ही रूही सीधा अपने कमरे में जाते हैं। मिश्का उसे आवाज़ तो लगाती है लेकिन वो आवाज़ नहीं सुनती है। इधर रूही को ना पेंटिंग की, वो पेंटिंग करती है, उसे पेंटिंग की बहुत शौक़ थी। न जाने उसको अचानक क्या होती है, वो अपनी आँखों में एक रुमाल बांधती है, रुमाल बांध के वो एकदम से सामने वो सारे पेंटिंग की सारे जो है वो जैसे करने लगती है, वो एक सारे स्टफ़ वगैरह वो रखती है पेंटिंग की और पेंट करने लगती है अपनी आँखों को बंद करते हुए। न जाने वो उसके दिमाग में क्या चल रही थी, करीब आधे घंटे तक वो कुछ पेंट करती है। जैसे पेंट करती है आंखें खोलती है और आंखें खोलती है सामने के नज़ारा देख के मानो कि वो एक्सपेक्ट नहीं की थी, वो शॉक हो जाती है। वो एक तस्वीर जो है हूबहू उस पेंटिंग में उतारी है और वो जो तस्वीर थी वो कोई और नहीं मिस अननोन की थी, और जो फेस की वो झलक उसने ला ली है वो कोई और नहीं मिस पूजा की थी। ये देख के वो इतनी परेशान हो जाती है, वो दो कदम पीछे हो जाती है और वो देखिए नहीं, ये कैसे हो सकती है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा नहीं हो सकती, वो दो इंसान है ना, फिर सेम फीलिंग्स दोनों के लिए कैसे हो सकती है, हाउ इज दिस पॉसिबल, और ये मैंने क्या बना ली है, क्या बना ली है मैंने, ये नहीं हो सकती। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। मिश्का आवाज़ लगाती तो है लेकिन वो बाहर नहीं होती है। तो चलिए देखेंगे आगे कि क्या होते हैं स्टोरी में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और ढेर सारा प्यार बांटिए, मुझे अपनी दुआओं में कभी कभी याद कर लेना। तो चलिए, लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, सी यू सून, मिलते हैं अगले एपिसोड में, टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़।